खलेश राहुल गांधी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अगर इनको देखा जाए तो खटारा गाड़ी के पहिए हैं। अब बुलडोजर चला रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई कानून रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री के इतने पावर है कि वो अपने स्वेच्छा से भी कार्य कर सकता है, तो इसमें अखिलेश जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी क्यों चुप्पी है? ये लोग राहुल जी हों कुछ भी हों, ये कभी भी अपने नेताओं को बचाने के लिए कभी DNA के लिए कहेंगे? भाई तुम अपना DNA कराओ ना। आपने जो खेला खेलना था खेल लिया है, ना आप बंगाल पे बोलते हो, ना आप कलकत्ता पे बोलते हो, और ऐसे ही आप लोगों का भी जो है वंश परिवारवाद आस्ते आस्ते सीधा ही आप पर ढलता जाएगा सूरज। अखिलेश तो नहीं कहूँगा, वो अखीमुद्दीन है, वो तो अखिलेश नाम लेने पर भी हमें बड़ी शर्म आती है। ऐसे राजनीति कर रहे, जो DNA की बात कर रहे, अरे DNA की बात कर रहे हो तुम, बेटी के साथ इंसाफ नहीं दिला सकते तो उसका चीरहरण ना कर। बिल्डोजर चलना चाहिए, जब मेरे घर पर चल, मैं गलत हूँ तो मेरे घर पे भी चलना चाहिए, जो कोई भी गलत करेगा उस पर बिल्डोजर चलना चाहिए। किस कोर्ट ने कहा कि आप जाकर फुटपाथ घेर लीजिए? किस कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ की जमीन का अधिकरण कब्जा कर लीजिए? किस कोर्ट ने कहा कि आप जाकर मदरसा बना लीजिए, आप मस्जिद बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए, और जहाँ पर नॉथराइज होगा और टूटेगा। मोहित खान अगर 12 साल की बच्ची से रेप करता है तो अखिलेश यादव कहते हैं इसका DNA होना चाहिए, और अगर उसी की अवैध संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चलता है, पेट में दर्द क्यों? आप कौन से नेता की बात लेते हैं? अपने बाप की कदर नहीं करी स्वर्गीय बाप मुलायम सिंह जी की, ना ही चाचा को इज्जत दी, तो क्या उससे अपेक्षा रख सकते हो? भाई सीधी सी बात है, अखिलेश राहुल गांधी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अगर इनको देखा जाए तो खटारा गाड़ी के पहिए हैं। लोगों को बरगला के, कानूनी किताब दिखा के, जातिवाद में बांट कर इन्होंने आपके कुछ सीटें निकाल ली यूपी से। इसका झटका BJP को भी लगा, योगी जी को भी लगा है, तो कहने का मतलब है अब उनको अकल आ गई है। अब बुलडोजर चला रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई कानून रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री के इतने पावर है कि वो अपने स्वेच्छा से भी कार्य कर सकता है, तो इसमें अखिलेश जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी क्यों चुप्पी है? अगर एक अपराधी अधर्म का साथ देता है तो उसका तो विनाश करना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में, तो अब उनका विनाश हो रहा है। ये लोग राहुल जी हों कुछ भी हों, ये कभी भी अपने नेताओं को बचाने के लिए कभी DNA के लिए कहेंगे? भाई तुम अपना DNA कराओ ना। जो आपने जनता को बहला के फैला के भ्रमित करके जो आपने वोटें लिए हैं, और ना ही उनको उस प्रमाणित पर से 1-1 लाख रुपये देना, 8,500 दिए, ये क्या तुक बनता है आप लोगों का? तो लोग अब भ्रमित में आने वाले नहीं हैं आपके। आपने जो खेला खेलना था खेल लिया है, ना आप बंगाल पे बोलते हो, ना आप कलकत्ता पे बोलते हो, और ऐसे ही आप लोगों का भी जो है वंश परिवारवाद आस्ते आस्ते सीधा ही आप पर ढलता जाएगा सूरज। कि बुलडोजर से ही अगर न्याय दिलाना है तो कोर्ट कचहरी और जज साहब को घर भेज दीजिए। देखिए कानून के कुछ हक भी होता है, कानून ने कुछ हक दिए हुए हैं, बिगैर कानून के बिगैर एविडेंस के रोगी जी कोई कार्य नहीं करते हैं, नहीं तो कितने लोग से चले जाते, कितने लोग कोर्टों में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, पर उनको पता है जो भी वो काम करते हैं पहले कानूनी सलाह और राय लेके करते हैं। और हम लोग तो कहते हैं कि हम लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए, जो गलत करेगा जो पाप करेगा उसको सजा मिलेगी, ऐसे ही इन परिवारवादियों को भी सजा मिलेगी, इस देश के लोग आने वाले समय में इनको सजा देंगे। आरोपी को सजा देने की बजाय उसके संपत्ति को तोड़ करके बुलडोजर की कार्रवाई करके घर से बेघर कर देना कितना ठीक है? देखो कानून के दायरे में किया जा रहा है, वो अवैध जगह बनाते हैं जहाँ अखिलेश ने, भूमाफिया अखिलेश ने, अखिलेश तो नहीं कहूँगा, वो अखीमुद्दीन है, वो तो अखिलेश नाम लेने पर भी हमें बड़ी शर्म आती है कि अखीमुद्दीन जी, वो अवैध तुमने जो जबरदस्ती ये जनता की जो प्रॉपर्टी थी तुमने घिरवाई थी, अतिक्रमण किया गया था, योगी जी केवल और केवल उस अतिक्रमण जमीन को ही ढाते हैं, हाँ खाली करा रहे, भूमाफियाओं से मिले हुए थे अखीमुद्दीन जी, और मैं तुमने जो नाम अपना अखिलेश घेर रखा है, ये क्यों हिंदुओं का नाम घेर रखा है? तुम तो पक्के जो है का टोपी पहन, गोल टोपी पहनने वाले अखिलेश उर्फ अखीमुद्दीन, तुम्हारे लिए मैं क्या कहूँ? तुम आतंकवादियों के साथ मिले हुए 19 आतंकवादियों को तुमने केस वापस ले रहे थे, 19 आतंकवादियों से कौन थे वो आतंकवादी? इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी और सिमी के आतंकवादी, उनसे तुमने केस वापस लिया जिन पर इतने जबरदस्त केस थे, और जब माननीय हाई कोर्ट ने तुम्हें फटकार लगाई कि तुम इन आतंकवादियों से केस वापस ले रहे हो अखिलेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? तब माननीय अदालत ने उनको जो है उनकी जो केस वापस लेने की प्रक्रिया को पलीता लगा दिया, और
हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आपसे इनसे केस वापस नहीं होंगे। बाद में माननीय अदालत ने सबको आजीवन कारावास की सजा हुई, उनमें से चार दुर्दांत आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली और अखिलेश उर्फ अखीमुद्दीन उनसे जो है का केस वापस ले रहे थे। तो इनकी मानसिकता का तो आपको पता ही है, सबको ही पता है कि इस देश को और इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को ये नाश करने के अलावा और इनका कोई काम नहीं है। ये जो अपराधी हैं उनका बचाव कर रहे हैं, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कहते हैं डीएनए की मांग होनी चाहिए। देखो यही तो दुर्भाग्य है, क्यों भगवान कृष्ण के वंशज बताते हैं, अखीमुद्दीन जी को शर्म नहीं आ रही इस बात की? अरे भगवान कृष्ण तो कहते हैं न्याय के लिए, अगर हमें कुछ न्याय प्राप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए यदि हमें कुछ कानून कुछ नियम भी तोड़ने पड़े तो तोड़ने भी चाहिए जिससे कि धर्म की रक्षा हो। परंतु अखीमुद्दीन जी तो केवल केवल उन राष्ट्रद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, इन देश के गद्दारों के साथ मिले हुए हैं। उस मैं तो ये कहूँगा उसने क्या काम किया, जिसने रेपिस्ट था 12 साल की बच्ची का, जिसने बलात्कार किया था, वो माफिया भूमाफिया, वो अखिलेश की पार्टी का जिला अध्यक्ष भूमाफिया। और कल आपने देखा होगा जब अभी पुलिस गई थी एक अखिलेश यादव के भूमाफिया का अतिक्रमण गिराने के लिए, तो वो अपनी राइफल लेकर के आ गया और अपनी राइफल जब पुलिस वालों पर धौंस दिखाने लगा। अब आप ये लगा लो कि ये इनकी अगर ये मुख्यमंत्री बन जाता तो क्या हाल होता यूपी का, कह नहीं सकते। देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अनऑथराइज नहीं हो रही, जो अनऑथराइज पे कर रहा है और जो बच्चों का डीएनए की मांग कर रहा है तो किस हक से कर रहा है? वो जो बुलडोजर चल रहा है तो कानून के दायरे में चल रहा है और बुलडोजर चलना चाहिए। जब शासन का प्रशासन का डर होगा तो ये रोकथाम होगी। एक नाबालिग बच्ची के साथ, सिर्फ 12 साल की बच्ची, एक मासूम बच्ची के साथ, अरे तुम शर्म करो मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री, आप भी किसी बेटी के बाप हो गए, आपकी बच्ची के साथ हो, आप क्या करेंगे? तो ऐसा दोहरा चरित्र करना। और वंशज कहते हैं श्री कृष्ण, जिस श्री कृष्ण ने पूरी सभा में द्रौपदी का चीर होने से बचाया था वो थे कृष्ण, कृष्ण के भगत कहने में इनको शर्म भी नहीं आती। ऐसे वो अच्छी राजनीति कर रहे, जो डीएनए की बात कर रहे, अरे डीएनए की बात कर रहे हो तुम, बेटी के साथ इंसाफ नहीं दिला सकते तो उसका चीरहरण ना करें। और जो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण की बात करने वाले, आज खामोश बैठते हैं और एक पन्ना को लेकर सियासी रोटी सेकते हैं। तो ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र जनता देख चुकी है और जनता ने देखा, जनता ने उनको सबक सिखाया। और ऐसी मानसिकता के लोग की जितनी गौर भर्सना की जाए और दंडनीय है, और जितना कानून का पैरा होना चाहिए और सख्त कानून होना चाहिए तो होना चाहिए। बिल्डोजर चलना चाहिए, जब मेरे घर पर चल, मैं गलत हूँ तो मेरे घर पर भी चलना चाहिए, जो कोई भी गलत करेगा उस पर बिल्डोजर चलना चाहिए। जब बिल्डोजर चलेगा तो बाप को बेटा समझाएगा, बेटे को बाप समझाएगा, ऐसा कार्य होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए अगर योगी बुल्डोजर से ही न्याय दिलाने वाले हैं, तो देखिए कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, किस कोर्ट ने कहा कि आप जाकर फुटपाथ घेर लीजिए, किस कोर्ट ने कहा कि आप वहां की जमीन का अधिकरण कब्जा कर लीजिए, किस कोर्ट ने कहा कि आप जाकर मदरसा बना लीजिए, आप मस्जिद बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए? और जहां पर नॉथराइज होगा और टूटेगा, जो काम हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है, जो जमीन अनऑथराइज थी और टूटी है और टूटती रहेगी, ये जनता का आशीर्वाद है। और जनता ने जो मन बनाया है, जो जनता ने जन सलाब से सरकारें बनाई हैं, वो कानून के दायरे में रहकर, प्रशासन को दायरे में रखकर वो अवैध कब्जे तोड़वा रहे हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और लोग अपने घरेलू आंसू बंद कर दे, जो ऐसी क्रूरता करता है, ऐसी भेड़िया चाल चलता है, ऐसे दरिंदे होते हैं, तो उसका ऐसा हास्य होना चाहिए।